बहुत खुश हो रहा है आज जो ये काम रोड का चल रहा है। पिछले 2 साल से चल रहा था, पहले गेट का काम मुकम्मल हुआ तो आज ये रोड बैकमेंट आज हो रहा है एलजी एडमिनिस्ट्रेशन का। तहे दिल से शुक्रिया अदा कर इंजीनियर आरएनबी और पीडब्ल्यूडी, उनका भी काम ये है, उन्होंने भी अपनी मेहनत करके ये मुकम्मल करने जा रहे हैं। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन साहब डिस्ट्रिक्ट काल, उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा। एक बहुत बाना अपील है, इसको भी मैगमेटाइज किया जाए और एक छोटी सी ड्रेन, वो भी बारिश का पानी वो सैलाब की सूरत में यहाँ से बहता है इस रोड से, वो सीधे सबसे पहले मैं मीडिया का बहुत मशहूर हूँ जो लोगों की आवाज़ गवर्नमेंट तक पहुँचाते हैं, और जो ये बड़ी बारी यहाँ पर हमारी डिमांड थी, मसला था रिगार्डिंग मैगनमाइजेशन ऑफ दिस रोड, और आज गवर्नमेंट की वसादत से एलजी गवर्नमेंट ने इस बार अपने तरफ से जो डायरेक्शन दी है, वो जो पिछले 1-2 साल से ये रोड अंडर कंस्ट्रक्शन था और आज इस पर मैगनमाइजेशन हो रहा है, हम अपनी तरफ से खुशी का इजहार करते हैं और एलजी गवर्नमेंट का और यहाँ के चीफ सेक्रेटरी साहब के और जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी आरएनबी पीडब्ल्यूडी और जितने भी बाकी भी एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पर है, उन सब लोगों के हम मशहूर हैं और उम्मीद करते हैं कि जो एज पर शेड्यूल गवर्नमेंट ने रखा है, शेड्यूल के हिसाब से जो गवर्नमेंट है इसको शेड्यूल रखा है, उसी शेड्यूल के हिसाब से इस पर बराबर मैगनमाइजेशन हो जाएगा और हम खुद भी इस पर नज़र रखे हुए हैं और गवर्नमेंट के अफसर भी नज़र रखे हैं और हम उम्मीद करते हैं एज पर शेड्यूल और जो डायरेक्शन है आरएनबी डिपार्टमेंट की तरफ से, उसी के हिसाब से मैगनमाइजेशन हो जाएगा और लोगों को जो पिछले कई सालों से जो मुश्किलात का सामना करना पड़ता था, आज उन मुश्किलात का अजाला हो रहा है और हम अपनी तरफ से, अपनी इस बस्ती के तमाम लोगों की तरफ से एलजी साहब के और तमाम हायर अथॉरिटीज के शुक्रिया अदा करते हैं, ताकि उम्मीद करते हैं बाकी भी जो यहाँ हमारा लिंक रोड है जो जामा मस्जिद सही मुँह से जा रहा है कबीर शिकारगाह की तरफ, उसकी तरफ यहाँ आप फोटो ले इसका लीजिए, और हमें उम्मीद है कि इसके बारे में भी एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी हेल्थ एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी आरएनबी ने डायरेक्शन पास की है और चीफ इंजीनियर साउथ को अपनी तरफ से डायरेक्शन पास किया है कि इसको ऑन पीआरटी बेसिस पर इसमें मैगनमाइजेशन होना चाहिए और इसके साथ साथ इसमें एक ड्रेन भी कंस्ट्रक्ट किया जाए, ताकि जो ऊपर का पानी, ऊपर से जो बारिश से पानी आ रहा है या सैलाब की तरफ से वो खतरनाक पानी नीचे आ रहा है, उससे जो ये मैगनमाइजेशन इस वक्त रोड की हो रही है उसको भी नुकसान पहुंच सकता है अगर इसमें ड्रेन हो जाए, ताकि वो मेन रोड भी बच सकता है और ये जो लिंक रोड है इसको भी ये भी बच सकता है। इसलिए हम एक बार फिर तमाम एलजी गवर्नमेंट चीफ सेक्रेटरी साहब के और हर एक अफसर के शुक्रगुजार हैं और जितने भी लोग इसमें मुस्लिक है हमारे जो लोकल अथॉरिटीज़ है उनके भी मशहूर है।